हाय हाय गाइस, गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा खुर्रम। नाम है वजह। तो यार भगवान शिव जी ने तड़का को भी समझाया, समझ तो उसको आ गई, लेकिन अब लक्ष्मण जी और राम जी भी जी भाई निकल कर जा रहे हाँ हैं भाई अभी अपनी वो मतलब गुरु जी के साथ, क्योंकि अगर तड़का सही ना हुई तो भाई साहब उसका नाश उन्होंने ही करना हाँ है। तो अब आगे देखते हैं, उन्होंने करते स्टार्ट। नया अध्याय आरंभ होने जा रहा कौन सा नया अध्याय? जो उन्हें अपने इस अवतरण के उद्देश्य समीप ले जाएगा, अर्थात रावण के अंत के समीप। नया रावण के अंत के करीब, क्योंकि इनकी जब तक शिक्षा वरना रावण ऋषि विश्वामित्र का प्रशिक्षण, उनका मार्गदर्शन, नारायण गुना केवल इस किशोर रूप से पुरुष अबे तो पुरुषोत्तम में परिवर्तित कर देगा। समझो सीधी सीधी बात है, भगवान विष्णु जी जो है ना, मतलब भगवान राम जी, रावण के अंत में तैयार हो गए, क्योंकि उसके लिए रावण को मारने के लिए इनको शिक्षा लेनी पड़ेगी, पूरा ट्रेन होना पड़ेगा, शक्तियाँ प्राप्त। रावण लाला कितना शक्तिशाली है, ये आचार्य क्या हम सरयू तट पहुंच कर बात करेंगे? यानी कि मैं इन्होंने बोला कि क्या हमारा हम जा रहे हैं, शायद बोलने वाले हैं, क्योंकि मेरा भी हो गया ना। गुरु ने अपनी गुरु विश्वामित्र द्वारा राम और लक्ष्मण का प्रशिक्षण आरंभ हो चुका है। एक गुरु शिष्य की शंकाओं को दूर करते हैं, उसके अहम भाव का अंत करते हैं, मुक्त कराते हैं उन बंधनों से जिससे वो उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। गुरु का प्रशिक्षण प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष, ये तो है, किंतु सदैव उसे समझ पाना ये शिष्य के लिए संभव नहीं। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण की प्यास और क्षुधा को एक महान उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम बना रहे हैं। महान पर ध्यान करेंगे। ओह अच्छा, यहाँ पे ध्यान, अच्छा जहाँ वैश्व मित्र जी ध्यान करेंगे। परंतु गुरुदेव, अरे भगवान राम जी ने रोक दिया। गुरुदेव, आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना हमारा सौभाग्य है। तब भी जब वहां जब चल रहे थे ना, तो भगवान राम जी ने कुछ भी बुरा नहीं माना, फिर भी चेहरे पे स्माइल थी। भूख और प्यास लगी है तुम्हें? समझ गए गुरु जी, समझ गए प्यास। जो विद्या मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ उसमें तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारा संयम, तुम्हारा समर्पण और त्याग साधारण मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक होना चाहिए। कई माह तक ध्यान लगाना होगा, कई माह तक, और ये तभी संभव है जब तुम अपनी क्षुधा और प्यास जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को नियंत्रित कर लो। हाँ, ये तो भाई बहुत बड़ी जरूरत है, भूख और सबसे ज्यादा प्यास। Thank you.
कुमार हो तुम। हाँ। और शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनोगे। हाँ, ये तो है। किंतु ज्ञात रहे, किसी भी योद्धा का सबसे बड़ा शत्रु उसी के भीतर वास करता है। अपने नेत्र बंद करो। तुम दोनों की उस पर विजय प्राप्त करने में मैं तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर रहा हूं। ओ गए। थोड़ी सी उन्होंने कहा था ना विश्वामित्र जी ने, ना भूख है ना ही प्यास। ले वही राम लक्ष्मण जी, तुमने बल और अति बल को आत्मसात कर लिया है। वाह यार, भूख और प्यास पर विजय प्राप्त कर ली। यानी कि अब, किंतु अब भी तुम्हारे मन में एक शत्रु और है। कौन सा? जिसे तुम्हें पराजित करना है। कौन है वो? वो है, और वो है इच्छाएं। उन पर विजय प्राप्त करने में मुझे ये चाहिए, मुझे मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। ये क्यों? ये कार्य तुम दोनों को स्वयं करना होगा। मुक्त कर दो अपने मन को सभी इच्छाओं से। किंतु हमारी प्रत्येक इच्छा तो हमारे व्यक्तिगत सुख से ही संबंधित होती है, और इच्छा ही कर्म का आधार बनती है ना गुरुदेव? तो क्या ये संभव नहीं कि कोई स्वार्थ और निस्वार्थ से परे हो, जिसका प्रत्येक कृत परमार्थ की परिभाषा? ऐसा कौन है गुरुदेव? कौन? समुद्र मंथन की कथा सुनी है? वो कथा तो भाई नहीं गुरुदेव। अरे नहीं सुनी यार। सुनना चाहोगे? वो जो कथा है अवश्य। जन्म लिया था ना आए भगवान श्री जी की, वो कथा तो युग पूर्व की बात है। असुर राज बाली ने स्वर्ग पर आक्रमण कर अमृत कलश प्राप्त कर लिया। बाली से कलश पाने के लिए देवताओं के संघर्ष में वो कलश समुद्र में गिर पड़ा। देवता और असुर सभी अमृत पाना चाहते थे। समुद्र से अमृत निकालने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया। इस मंथन से कालकूट नामक विष निकलने लगा, जिसमें समस्त संसार के विनाश का सामर्थ्य था। इस गरल से सृष्टि की रक्षा करना और इसे नियंत्रित कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। तब महादेव ने संसार की रक्षा हेतु वो सारा विष पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। महादेव को विष पीने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी उनका ऐसा करना ना स्वार्थ था और ना ही केवल परमार्थ। ऐसे महान कार्य की तो कल्पना भी असंभव है। महादेव ही ये सब कुछ कर सकते हैं। ये कैसे किया महादेव ने? ये समझने के लिए तुम्हें वैराग्य समझना होगा। वैराग्य? और वैराग्य समझने के महादेव का अनुकरण करना होगा। ओह देखो राम जी कितने समझदार हैं। अरे यार
बात बताऊं, भगवान राम जी बहुत समझदार हैं, बहुत हर चीज ऐसी समझ जाए। जब जा रहे थे गुरु जी कहते हैं यहाँ पर हम ध्यान करेंगे, वो कहते हैं परंतु गुरु जी और भगवान राम जी ने भाई रोक दिया भाई साहब उनको, लक्ष्मण जी को, कहते नहीं भगवान अपने गुरु जी का जो भी हुक्म होगा हमारे सारा को पे हम मानेंगे। उसी टाइम ध्यान में बढ़ गए, गुरु जी कहते हैं कि भाई भूख प्यास लग रही है, कहते मैं तुम्हें ऐसी वेदी देने वाला हूँ जैसे तुम्हें ये चीजें होंगी नहीं, इसका तुम्हें दूर करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो वो बताई उन्होंने विद्या दी, हाँ वो तो दे दी खत्म होती है, लेकिन उसके बाद भूख भी खत्म प्यास भी खत्म सब कैसा निरंतर पाया उसके ऊपर, लेकिन इच्छाओं को कहता तुम लोगों ने खुद काबू करना है। लेकिन एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात ये भगवान राम जी का दिख रहा है कुछ भी बोलते हैं तो गुरु जी की बात। और जब जो रास्ते में आ रहे थे तो जब लक्ष्मण जी ने बोला तो गुरु जी ने बोला नहीं जगह पे पहुंच के, तो भगवान राम जी के चेहरे पे स्माइल थी। अगर इसकी जगह कोई और होता ना तो यकीन कर कितना गुस्सा आता, लेकिन भगवान राम जी कितने वो हैं खुश मिजाज और कितने हर चीज को समझ जाते हैं। वाह क्या फोरम है, इसमें कोई शक की बात यार, देख राम जी तो फिर राम जी है कौन। लेकिन बाजार में वो जब भगवान राम जी ने चांद की तरफ देखा, भगवान भगवान शिव जी का जो साया आया, ओए वो चीज देखने वाली थी यार। भगवान राम जी हर चीज को समझने वाले हर चीज को, और क्योंकि लक्ष्मण जी उनसे छोटे हैं तो भगवान राम जी बहुत समझदार हैं, वो हर चीज जो है ना वो आराम से समझ जाते हैं, या फिर छोटों को बड़ी दिशा देते हैं ना, जाहिर बात है ना। लेकिन अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो